सवार युवक अपने भाई के साथ अपने घर जा रहा था, तभी भोगाव रोड स्थित आकांक्षा ग्लोबल एकेडमी के निकट उसकी बाइक स्विफ्ट डिजायर कार से टकरा गई। इस टक्कर में बाइक सवार दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि दोनों की जान नहीं बच पाई और अस्पताल में ही दोनों भाइयों ने अपना दम तोड़ दिया। आइए देखिए पूरा मामला। गुरुवार को कोतवाली क्षेत्र के भोगाव रोड पर आकांक्षा ग्लोबल एकेडमी के निकट एक कार और बाइक की भिड़ंत में दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर निवासी 45 वर्षीय संजय पांडे और 60 वर्षीय राम निवास पांडे बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी आकांक्षा ग्लोबल विद्यालय के निकट कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे कोतवाल भानु प्रताप सिंह ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां राम निवास पांडे और संजय पांडे की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के चलते जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों की असीम लापरवाही देखने को मिली। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि इन घायलों को अस्पताल में पुलिस खुद लेकर पहुंची और घायलों को स्ट्रेचर से खुद ही उतार रहे हैं। कहां गए जिला चिकित्सालय के कर्मचारी, जिन्हें इतना भी वक्त नहीं है कि उनके हिस्से का काम भी पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। यूपी सरकार में ये कर्मचारी फ्री की तनख्वाह का लुत्फ उठाना चाहते हैं और शायद जिला चिकित्सालय के सीएमओ का भी यही हाल है। अपनी जिम्मेदारियों से परे मुफ्त वेतन का मजा ले रहे हैं, जबकि हाल ही में कुछ दिन पूर्व जिला अधिकारी के औचक निरीक्षण करते समय डॉक्टर और कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए थे कि अगर कोई भी जनता के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी तहसील संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट।